Subscribe to my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सोमेन गोस्वामी फिर से प्रेजेंट हो गया यानी प्रकट हो गया. फ्रेंड्स, आज हम लोग ये होममेड गाइड उड़ा रहे हैं और ये ऑलरेडी दो बार उड़ चुकी है, दो बार अच्छा स्कोर निकाल करके उतर चुकी है. आज फिर से इसको उड़ा रहे हैं और उड़ा करके काइट फाइटिंग करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं. पता नहीं आज क्या होगा. पहले तो दो बार बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, आज काटेगा कि कटेगा ये सब जो है बाद में पता चलेगा. और ये हमने इसको बनाया पोजिशन, निशाना साधा और चला दी गोली. दाएं जा रही है, बहुत ही मस्त है फ्रेंड्स. थोड़ी सी हल्की बनाई थी हमने ताकि अगर खींच के लड़ाना पड़े, बहुत हल्की भी नहीं है और बहुत टाइट भी नहीं है. अगर खींच के लड़ाना पड़े तो खींच के भी लड़ जाएगा, और अगर ढील से लड़ाना पड़े यानी फंसा के लड़ाना पड़े तो फंसा के भी लड़ जाएगा. मैं कैमरामैन को बोलता हूँ फटाफट DSLR निकाले भाई, आसमान में बड़े बड़े योद्धा लड़ने को तैयार हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये लड़ने जा रहा है और कोई पोजीशन ही नहीं बन रहा है पेच का. ओहो, काट दी वो. देखिए ढील से काटी लेकिन पहला खाता खोल ही लिया मैंने. इस तरह से सोमेन घोष का स्कोर हुआ 1 और ओपोनेंट का स्कोर हो गया 0. देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरे पतंग से लड़ने जा रहा है. उसने तो अपनी पतंग हटा ली. ये भी बड़ा ही अजीब कलर का पतंग है फ्रेंड्स. वो गई. देखिए चाइनीज़ बन जाता था लेकिन कितनी देर बाद कटी वो देखिए, झूमती हुई जा रही है और मेरी पतंग तनाटन आसमान में एकदम चली गई. चल सौरभ आ गया है. देखिए फ्रेंड्स, अब वो जो है जा रहा झूमता हुआ और मेरे हाथ पे काटने के लिए ये पतंग आ गया सामने. वो काट दी उसकी. अब ये सामने लड़ेगा बिल्कुल एकदम. पेच फंस गया फ्रेंड्स और ढीलम पे ढील चल रहा है, पता नहीं क्या होगा. ये चाइना मान जाए फ्रेंड्स, आपको बता दूं. ओहो गई उसकी. देखिए कितनी देर बाद कट रही है, आप लोग देख के समझ रहे होंगे कि पता लग गया होगा कि कितनी ज़्यादा अभी भी चाइनीज़ मंझा उड़ रहा है यहाँ पे. देखिए फ्रेंड्स, ये लड़ने जा रहा है. ओहो कट गया फ्रेंड्स, मेरी होममेड गई काइट गई. फ्रेंड्स मेरी वो वाली पतंग 4-5 पेज काटने के बाद कट गई लेकिन मेरा मंझा पूरा बच करके वापस आ गया और अभी इसको उड़ाता हूँ. ये जो है फ्रेंड्स मंझोली की पतंग है और फरुखाबाद की बनी हुई है. और जो पहली वाली पतंग थी वो होममेड काइट थी, वो पोनी की पतंग थी फ्रेंड्स.
तो अब इसको उड़ा दिया, क्योंकि ये जो मांझा जिससे मैंने अभी पेच लड़ाया फ्रेंड्स, ये चार बार मांझा उतरा हुआ था, तो इसलिए मैंने छोटी पतंग उड़ा दी, क्योंकि ये पता नहीं अब हो सकता पतंग टूटी जाए हमारी, तो इस करके मैंने छोटी पतंग उड़ा करके लड़ा रहा हूँ। बड़ी पतंग लोड लेगा कि नहीं लेगा, अब बहुत ज़्यादा आसमान में पतंग उड़ गई है फ्रेंड्स, अब लड़ाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग 1-2-1-2 लड़ाते हैं यहाँ पे, तो एक से पाँच पाँच छः छः लड़ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स फिर से लड़ने जा रहा हूँ और मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे को दिक्कत ये आ रही है कि आगे कई पतंग है फ्रेंड्स, इसलिए बहुत ज़्यादा लड़ाना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता दूँ बहुत मुश्किल है, कन्ना ही चेप दिया मैंने इसका, लेकिन कन्ना बचा ले गया वो। वो गया उछल करके, देखिए कैसे उछल करके गया, वो जा रही है झूमती हुई अल्टी पल्टी घल्टी खाती हुई। अरे यार कट गया, बहुत ही अच्छा गद्दा मार दिया उसने फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल गद्दा मारा उसने, जिसकी कोई जवाब ही नहीं। अरे यार फ्रेंड्स, अभी जो आपने पेज देखा वो मेरी मझोली की पतंग थी और ओपोनेंट की पौने की पतंग थी फ्रेंड्स, उसने बहुत ही अच्छी जगह गद्दा मारा, इतना बढ़िया गद्दा मारा उसने कि ये कई दिनों तक याद रहेगा मेरे को, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं भूतनाथ उड़ा रहा हूँ, इस तरह के गद्दे मैं भी मारता हूँ मगर कभी कभी मारता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अब मैं भूतनाथ उड़ा रहा हूँ, और ये भूतनाथ पहले लड़ चुका है, ये होममेड काइट है। तो चलो भूतनाथ अब तुम लड़ो, और लड़ करके कुछ कमाल उमाल दिखाओ भाई। आज अभी तक मेरा 2 पेज कट चुका है, मैंने 10-12 हालांकि काट दिया है, लेकिन 10-12 तो कम होता है फ्रेंड्स, कम से कम 50-100 काटे तभी तो मज़ा आएगा। और जो पिछला पेज कटा मेरा उसका सारा मांझा वांझा सब तोड़ लिया बच्चों ने, तो ये जा रहा है मेरा टनाटन एकदम लड़ने के लिए आगे। अब मैं DSLR से दिखाया जाएगा आपको फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा भूतनाथ लड़ने जा रहा है, और भूतनाथ बिल्कुल तैयार है। भाग रहा ओपोनेंट, ला रहा है बहुत तेजी के साथ नीचे से, काट दी वो, देखिए काट दी। ओहो, भूतनाथ के ऊपर एक और पतंग का भी आ गया डोर, उसको भी काट दिया। वो देखिए आगे भी एक और पतंग गई फ्रेंड्स, दूसरी पतंग की भी गई। झप खा करके गई एकदम कटने के बाद।
अब तू कहाँ जाएगा बच के? वो गया, इतनी देर बाद गया। अभी एक गया, एक और आ गया है, अभी इसको भी काटूंगा, बस यही लास्ट पेच होगा फ्रेंड्स। इसके बाद पतंग उतार लूंगा अगर बची तो। ये तो बड़ा तेज खिंचैया लग रहा है। डर के बारे ऊपर ही नहीं ला रहा है। ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया काट दिया फ्रेंड्स उसने। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ये वाला पेज भी ओपोनेंट ने बहुत अच्छा काट दिया, जहाँ पे जगह उसको मिला पूरा एकदम सलंग खींच करके काट दिया, बहुत बढ़िया पेज काटा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि आज मेरी 3 पतंग कटी है टोटल, और काटी काफ़ी सारी है, कितनी काटी है मालूम नहीं है लेकिन काफ़ी सारी काट दी है। कुछ की वीडियो बनाई गई है, कुछ को ऐसे ही छोड़ दिया हमने। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को तो आज हम बंद करते हैं, बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।